हेलो एवरीवन, बैक टू माय चैनल स्टडी विद लॉक्स। तो आज की वीडियो बात करेंगे ईएसआईसी यूजीसी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो गया है, तो उसका लेवल की बात करेंगे कि एग्जाम का लेवल कैसा था। तो पूरी वीडियो में चर्चा करेंगे और क्वेश्चन भी आपको मैं लास्ट में एक पेज पे दे दूंगा, तो कौन कौन से क्वेश्चन आए थे तो आप क्वेश्चन वहाँ से देख सकते हैं। तो जैसे कि बात करेंगे इसमें रीजनिंग का लेवल एकदम बहुत ईजी था, इतना भी हार्ड नहीं था कि आप कर नहीं सकते। मतलब आप 24 क्वेश्चन आप आराम से 23 से 24 क्वेश्चन आप आराम से रीजनिंग में कर सकते थे, और मैथ में भी आप 22 से 23 क्वेश्चन आराम से मैथ में भी कर सकते थे। मैथ का भी लेवल ईजी था। जो जीके की बात करें, जीके थोड़ा टफ था, जिसमें आपसे 15 जिसने की तैयारी अच्छी है जीके, तो उसने 20 क्वेश्चन लगभग किए होंगे, क्योंकि मेरे समथिंग 16-17 क्वेश्चन हुए हैं जीके में, और बाकी मतलब मैंने अटेंड नहीं किए, जो मुझे नहीं आ रहे थे वो मैंने अटेंड नहीं किए। तो मैंने सिर्फ 16 से 17 जीके क्वेश्चन किए, और 22-23 मैथ के, और 23-24 लगभग रीजनिंग के, और कुल मिलाकर रीजनिंग के इंग्लिश में मेरा टाइम लगभग पूरा हो गया था, तो इसलिए इंग्लिश को मैं कर नहीं पाया। तो मीडियम लगभग पेपर इजी था, लेवल भी इजी था एग्जाम का। तो आप तैयारी करें, आप ज़्यादा फोकस अपने जीके पर लगाए, तो जीके पे आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। मैथ और रीजनिंग का लेवल इजी है। तो यही अपडेट है, और मैं आपको लास्ट में फोटो लगा दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, तो आप चाहे पूरे क्वेश्चन को देख सकते हो और आगे इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपका कॉलेज जॉब अपडेट आपको मिलते रहेंगे। आगे की वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, और इस आगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी हम पूरे डिस्कस करेंगे। कि हल्दी घाटी के युद्ध का वर्ष कौन सा है, तो हल्दी घाटी के युद्ध का वर्ष है 1576। तो ये राइट है या नहीं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बंगाल का शोक नदी कौन सी है, तो दामोदर नदी। तो आप कमेंट में बताएं सही है या नहीं। तो सभी क्वेश्चन के आप राइट आंसर कमेंट में बताएं, जिससे मुझे पता चल सके कि मेरे कितने क्वेश्चन राइट हैं। पदम एक वर्ष में पीएम किसान योजना की स्वीकृत कुल राशि कितनी है, शायद समथिंग 12,000 ही है ना, तो 2 महीने की 2,000 है लगभग, मुझे पता भी है, मेरे थोड़ा डाउट है क्वेश्चन है तीसरा। और पद्म विभूषण राधेश्याम सैनिक इनको कौन सा पुरस्कार मिला, तो इनको ये विभूषण पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है, पर उनकी राधेश्याम मतलब किस श्रेणी से, मतलब कला साहित्य किस श्रेणी से, तो वो पूछा गया था। तो रमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश का है, तो ये फिलीपींस का पुरस्कार है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, दिल्ली है, दिल्ली है। तो एक बैंक के उपाध्यक्ष का क्वेश्चन था ये, तो बैंक कौन से थे, जो बीजिंग यानी कि चीन के कोई बैंक थे, तो उसके उपाध्यक्ष का नाम पूछा गया था, तो वो मुझे शायद कंपन दिमाग से निकल गया। और लता मंगेशकर को भारत रत्न 2001 में मिला था। IFC का फुल फॉर्म लगभग ये 10वां क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, तो किसी फ्रेंड ने किसी मुझे कमेंट में सेंड किया है। तो ये क्वेश्चन लास्ट में कोई ए था, तो ए के रिगार्डिंग कोई दूसरी कोई फुल फॉर्म थी, वो मुझे शायद दिमाग से निकल गई है। और फॉरेन सैटेलाइट के लिए इसरो एग्रीमेंट, तो मतलब कितने देशों ने मिलकर कितने देशों, ये पूछा गया था कि कितने देश ने इसरो के साथ हस्ताक्षर किए सैटेलाइट को भेजने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत के पिता यानी कि पामिनी जो बुक लिखी है अष्टाध्याय, तो अष्टाध्याय मतलब किस से मतलब ग्रंथ से संबंधित है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया था। और महात्मा गांधी को पहली बार किसने महात्मा कहा था, तो ये शायद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको महात्मा गांधी जी को महात्मा कहा था। तो तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम जयपुर में है। और गोल्डन ग्लोब बेस्ट फिल्म ड्रामा शायद द डॉग नाम की कोई फिल्म है, जो अभी इसी 2022 में शायद पुरस्कार दिया गया, तो वही है कि छोटी सी किताब डरिंग लेखक, शायद ये दिमाग से निकल गया मेरे। तो बुक के रिगार्डिंग में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बिजू महाराज किस क्षेत्र से, मतलब कथक से है या कथकली से है, तो मतलब मतलब डांस फॉर्म भी पूछे जाए, तो डांस फॉर्म आपको याद करके जाना है। जनसंख्या गणना, तो जनसंख्या में पूछा गया था कि SC या ST, तो कुल क्षेत्रफल में इनका कितना प्रतिशत था, वो इसका जनसंख्या का पूछा गया था। आधुनिक भारतीय कला के जनक कौन थे, तो इसमें शायद रविंद्रनाथ टैगोर थे या रविंद्रनाथ टैगोर थे, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। सेना दिवस संस्करण, तो मतलब सेना दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया, 72वां, 73वां, 74वां, ऐसा कुछ क्वेश्चन ये भी था। और हिंदी भाषा देवनागरी लिपि किस अनुच्छेद में, तो ये क्वेश्चन था। तो आपको सारे क्वेश्चन बता दिए, तो इसमें किस किस से क्वेश्चन वापस बने, हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन बन सकता है, नदी से भी आपके क्वेश्चन, यानी कि बिहार का शोक किस नदी को, वो भी पूछा जा सकता है। पद्म विभूषण से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
रेमन मैक्सेसे पुरस्कार पूछा गया स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी, सब तो क्वेश्चन पूछ लिए, तो आप देख सकते हो कौन कौन से क्वेश्चन आप अपने रिगार्डिंग इसकी तैयारी शुरू, इसके आस पास के कौन कौन से और क्वेश्चन बनते हैं तो आप तैयारी करें, और आगे की वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।